सूफी रंग 786 चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या ये पांच चीजें, पांच थिंग्स हमारी जन्म से पहले ही निर्धारित हो जाती है, क्या जन्म से पहले ही हमारा कर्म लिखा जा सकता है, क्या जन्म से पहले ही हमें जिंदगी में जो मिलेगा वो लिखा जाता है, क्या जन्म से पहले ही हमारी जिंदगी में दुख सुख लिख दिए जाते हैं, आज इसके बारे में जानेंगे। सो आप सभी से विनती है इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। कई इंसान ऐसे हैं कि वह मानते हैं कि जो भी हमारे भाग्य में लिख दिया जाता है उसको मिटाया नहीं जा सकता। जैसे कि सबसे पवित्र ग्रंथ गीता में भी श्री कृष्ण महाराज अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, हमारे भाग्य में जो लिखा जाता है उसे नहीं बदला जा सकता, हमारे भाग्य का जो लिखा है उसको मिटाया नहीं जा सकता। जो भाग्य में लिखा है उसे मिटाया नहीं जा सकता, वह मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए लोगों को यह समझ लेना चाहिए कि जो हमारे भाग्य में है वह होकर ही रहेगा, वह मिलकर ही रहेगा। एक गल आप हमेशा याद रखें कि एक तरफ तो भगवान हमारे भाग्य लिखता है, दूसरी तरफ हम भी अपने भाग्य को लिखते हैं। अगर कोई इंसान मेहनत कश है, बहुत परिश्रम करता है, आगे बढ़ता है, पूरा जोर लगाकर आगे बढ़ता है, तो वह अपने भाग्य को आप भी लिख सकता है, अपनी किस्मत को बदल सकता है। और एक बात ये भी है कि जो इंसान अपनी ज़िंदगी में जैसे कर्म करता है, जैसे काम करता है, उसको उसका फल वैसा ही मिलता है। हम अपने भाग्य को खुद भी बनाते हैं। अगर हम अच्छे काम करेंगे तो हमें अच्छा फल मिलेगा, अगर हम बुरे काम करेंगे तो उसका फल हमें सदैव बुरा ही मिलेगा। अगर हम अच्छे काम करेंगे तो हमारा भाग्य मजबूत होगा, सख्त होगा और हमारी ज़िंदगी बड़ी आसानी से बीतेगी। और अब हम आपको ऐसी पांच चीज़ें बताने जा रहे हैं जो हमारे भाग्य में पहले से ही लिख दी जाती हैं। सबसे पहली बात है उम्र। जब इंसान अपनी माँ के गर्भ में होता है, जन्म से पहले ही उसकी उम्र लिख दी जाती है। जब इंसान जन्म लेकर धरती पे आता है, अपनी ज़िंदगी को जीता है, जितनी भी सांस लेता है, जितनी भी उसकी उम्र है, वे आपके जन्म से पहले ही लिख दी जाती है। ना आप एक दिन उससे पहले मरेंगे, ना एक दिन उससे बाद में मरेंगे, आपकी उम्र को निश्चित कर दिया जाता है। नंबर दो पर है विद्या प्राप्ति, पढ़ाई लिखाई। कोई भी इंसान जन्म से पहले ही अपनी विद्या को लिखा कर आता है कि वह अपनी ज़िंदगी में कितना पढ़ेगा, कितना आगे जाएगा, कितनी कक्षा तक वह पढ़ेगा और क्या डिग्री हासिल करेगा। ये सब कुछ ऐसा ग्रंथों में भी कहा जाता है कि पहले ही लिख दिया जाता है कि इंसान कितनी विद्या प्राप्त करेगा। अगर आप अपने भाग्य से ज़्यादा विद्या प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको एक कामिल मुर्शिद की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं तो आपके भाग्य में जितना लिखा है उतना ही पढ़ पाओगे। आगे पढ़ने पर आपको कोई ना कोई दिक्कत, परेशानी, कोई ना कोई मुश्किल आ जाएगी, जिसकी वजह से आप आगे नहीं पढ़ पाएंगे। अगर हम भाग्य से आगे जाना चाहते हैं तो हमें एक सच्चे सुच्चे कामिल मुर्शिद की ज़रूरत पड़ती है। वह अल्लाह ताला से हमारी बख्शिश करवा कर हमारी किस्मत में वह भी लिख देते हैं जो नहीं होना होता। अगली बात है कर्म। ऐसा कहा जाता है कि इंसान के जन्म से पहले ही उसके कर्म भी लिख दिए जाते हैं। हमारे कर्मों की वजह से ही हमें सुख दुख मिलता है, हमारे कर्म की वजह से ही हमें इज्जत मान, दुख परेशानी, सुख सब कुछ मिलता है। जैसा इंसान कर्म करता है वैसा ही उसको फल मिल जाता है। हर इंसान को अपने भाग्य की तरफ से ही सब कुछ मिलता है, जितना मिलना है, कितना नहीं मिलना है, सब कुछ भाग्य पे निर्भर है। और आपको भाग्य से ज़्यादा, भाग्य से पहले कभी कुछ नहीं मिलेगा, ना ही मिलता आया है। अगली बात है धन दौलत। धन दौलत रुपया पैसा भी आपकी किस्मत में पहले से ही लिख दिया जाता है कि किस इंसान को कितना धन दौलत, जमीन जायदाद मिलेगी। अगर आप मेहनत करते हैं, किसी पीरो मुर्शिद के लड़ लगे हुए हैं, किसी गुरु के लड़ लगे हुए हैं, तो आपको किस्मत से ज़्यादा मिल सकता है, वरना आपकी किस्मत में जन्म से पहले ही धन दौलत रुपया पैसा लिख दिया जाता है। किस इंसान को कितना, कब और कैसे मिलना है, ये सब कुछ पहले ही निर्धारित होता है।
इसलिए तो कहा जाता है कि अच्छे कर्म करो, बुरे कर्म करो। अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो उसका फल बुरा मिलेगा। अगर कोई इंसान आपके सामने बहुत ज़्यादा अमीर है, धन दौलत वाला है, तो ऐसा समझे कि उसने अपने पिछले जन्म में बहुत से पुण्य काम किए हैं, अच्छे काम किए हैं, जिसका फल परमात्मा ने उसे इस जन्म में दिया है। हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। इसलिए कहा जाता है कि हमें यह नहीं मालूम कि हमारा अगला जन्म होगा या नहीं होगा, जो हमारा पिछला जन्म चल रहा है। बस आप अच्छे कर्म करें, चंगे कर्म करें, कभी किसी का दिल ना दुखाएं और नेकी के रास्ते पर चलें, तो आपको, अगर आपका अगला जन्म होना होगा तो आपको बहुत ज़्यादा सुख समृद्धि मिलेगी। इसलिए कर्म चंगे करो, अच्छे करो, उसका फल अच्छा ही प्राप्त होगा, इस जन्म में भी, अगले जन्म में भी। नंबर 5 है सुंदर पत्नी। ऐसा कहा जाता है, शास्त्रों में भी है, कि किसी भी इंसान के भाग्य में एक सुंदर स्त्री उसके जन्म से पहले ही लिख दी जाती है। जब आप अपनी माँ के गर्भ में होते हैं, तब से ही आपकी पत्नी के बारे में लिख दिया जाता है। आपकी पत्नी कैसी होगी, सुंदर होगी, बदसूरत होगी, कैसी होगी, क्या करती होगी, क्या उसका पेशा होगा, ये सब कुछ आपके जन्म से पहले ही लिख दिया जाता है। सो प्यारे दोस्तों, ये 5 चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे जन्म से पहले ही हमारे भाग्य में लिख दी जाती है, और इसको मिटाया नहीं जा सकता। इसको या तो खुद अल्लाह ताला परमात्मा मिटा सकता है, या कोई सच्चा कामल मुर्शिद मिटा सकता है, और हमें किस्मत से ज़्यादा दिलवा सकता है, भाग्य से ज़्यादा दिलवा सकता है। इसलिए आप अच्छे कर्म करें, नेक कर्म करें, सदैव ही सादगी का जीवन जिए, नाम सिमरन बंदगी करें, किसी के लड़ लगें, दर दर ना भटकें, तो आपकी ज़िंदगी में आपको दुख कभी नहीं आएंगे और ज़िंदगी बड़ी सुकून से बीत जाएगी। सो इन बातों पर गौर जरूर करना, और पीर बाबा की और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना।